गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले के क्लास में देखा था प्रोटिस्टा के बारे में, और प्रोटिस्टा में हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्रिसोफाइट के बारे में, यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में 3 डिवीजन थे और फर्स्ट डिवीजन था क्रिसोफाइट। क्रिसोफाइट के 2 कॉमन एग्जांपल थे, यानी हम लोगों ने कंप्लीट किया था ये क्रिसोफाइटा के बारे में, और क्रिसोफाइटा में हम लोगों को 2 कॉमन एग्जांपल देखना था। एक था गोल्डन ब्राउन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, और दूसरा एग्जांपल है डायटम्स। तो सबसे पहले हम लोग गोल्डन ब्राउन एल्गी के बारे में चलेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं थोड़ा गोल्डन ब्राउन एल्गी, ठीक है। गोल्डन ब्राउन एल्गी बहुत ज्यादा नहीं जानना है इसके बारे में, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था गोल्डन ब्राउन एल्गी के सिर्फ 1200 जो है वो स्पेसिज है। गोल्डन ब्राउन एल्गी में देखिए तो ऐसा जानते ही हैं कि यस यूनिसेलुलर या यूनिसेलुलर होगा, फ्री स्विमिंग, यूनिसेलुलर फ्री स्विमिंग, फिलामेंटस एंड कोलोनियल फॉर्म, यानी यूनिसेलुलर तो होगा, फ्री स्विमिंग यानी खुद से अकेले से यह स्विम करेगा, एंड फिलामेंटस, फिलामेंट का मतलब होता है कि एक साथ, यानी यूनिसेलुलर है और ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल आपस में ज्वाइंट होकर एक फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं फिलामेंटस, एंड कॉलोनी के फॉर्म में रहेगा, अकेले नहीं, तो कॉलोनी के फिलामेंटस एंड कॉलोनियल, इसीलिए टर्म दिया है, तो फिलामेंटस एंड कॉलोनियल फॉर्म में यह होता है। उसके बाद देखो इसमें जरूरी नहीं है कि सेल वॉल होंगे, यानी सेल वॉल हो भी सकता है और सेल वॉल नहीं भी रह सकता है, लेकिन जब सेल वॉल अगर होगा तो वह सेल वॉल में पैक्टिन होगा, यानी दे मे हैव सेल वॉल एंड सेल वॉल विथ पैक्टिन, यानी सेल वॉल नहीं भी हो सकता है ये बात, इसीलिए यहां पर हमने दे मे हैव लगाया, दैट मीन्स की सेल वॉल रहेगा तो, और रहोगा तो पैक्टिन को होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऐसे जनरली यह ऑटोट्रॉफिक होता है, तो ऑटोट्रॉफिक कोई ऑर्गेनिज्म कब होगा, यानी इसमें फोटोसिंथेटिक होगा या, लेकिन अगर लाइट या तो कम रहे, लाइट की क्वांटिटी कम हो या लाइट नहीं हो, तो उस कंडीशन में यह हेटरोट्रॉफिक हो जाता है। तो इसीलिए इसके लिए एक पार्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, ऐसे तो यह ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक, यानी और फैकल्टेटिव हेटरोट्रॉफ। तो यहां पर फैकल्टेटिव यानी कि हमेशा यह हेटरोट्रॉफिक नहीं होता है या हमेशा ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, जनरली ऑटोट्रॉफिक होगा, लेकिन जब लाइट एब्सेंस होगा या लाइट की क्वालिटी कम होगी तो उस कंडीशन में यह हेटरोट्रॉफिक हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर लगा दिए ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी जब लाइट नहीं होगा तो उस कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ लाइट में यह हेटरोट्रॉफिक हो जाएगा। चलिए इसीलिए गोल्डन ब्राउन एल्गी को हम लोग नैनो प्लैंकटन कहते हैं, जैसे फाइटोप्लैंकटन आया था
तो गोल्डन क्रॉन एल्गी को ही ऑल्सो नोन एज नैनो प्लैंकटॉन, और जनरली मैरीन होता है। उसके बाद में गोल्डन क्रॉन एल्गी में हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है, दिस इज सफिशियंट मेन। अब उसके बाद में आइए, हम लोगों को देखना है डायटम्स। अब हम लोग डायटम्स के बारे में देखेंगे। डायटम्स को ही हम लोग कहते हैं पैसिलैरियोफाइटा। डायटम्स को क्या कहेंगे? पैसिलैरियोफाइटा। डायटम्स के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्या? तो यह सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में होता है। क्यों? दे आर मोस्ट ब्यूटीफुल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। अब क्यों ऐसा? ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ देयर सेल वॉल, यानी इसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से यह बहुत खूबसूरत, यानी अलग अलग तरह के जैसा जैसा सेल वॉल का स्ट्रक्चर होगा उस तरह से बॉडी का, यानी इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सी खूबसूरती है, दैट मींस कि बाकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से इसका एक अलग अलग शेप होता है जिस वजह से ये खूबसूरत दिखाई देता है, बाकी दूसरे का शेप वैसा नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि यह बहुत ही खूबसूरत माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में होता है। तो सेल वॉल का जैसा स्ट्रक्चर होगा बॉडी के सेल का शेप वैसा हो जाएगा, जिसकी वजह से अलग अलग शेप में मिलता है और यह ब्यूटीफुल फॉर्म में हमें दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ देयर सेल वॉल। ठीक है, ये बात को देखें हम लोग। या दे अकर इन बोथ मैरिन वाटर एंड फ्रेश वाटर, यानी हम मैरिन वाटर में भी मिलेगा और साथ ही साथ फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, ये दोनों के साथ मिलता है। अब इसकी अगर सेल का हम लोग शेप देखें कैसा होता है, तो सेल का अगर हम लोग इसका शेप लेके चलते हैं तो यह स्फेरिकल ओवल रॉड शेप एंड ट्रायंगुलर, और ट्रायंगुलर शेप का इसका सेल होगा। अभी हम बोले थे ना कि ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से, यानी इतने तरह के शेप में यह मिलता है, तो अलग अलग शेप हुआ तो इस वजह से इसका ब्यूटीनेस क्या हो गया, वो अच्छा अलग हो गया। अब ये देखिए इसके शेप का सेल अगर अलग हो गया तो साथ ही साथ यह क्या क्या वर्क करता है इसके सेल में, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलता है। सेल आर सिमेट्रिकल एंड नॉन मोटाइल, और बाइलैटरल सिमेट्री, और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे।
कि सिमेट्रिकल यानी सिमेट्रिकल में भी कौन सा, तो ये रेडियल सिमेट्री होता है। यहां पर एक टर्म लगेगा, या तो ये रेडियल सिमेट्रिकल होगा या बायलैटरल सिमेट्री होगा। नॉन मोटाइल तो है ही, नॉन मोटाइल का मतलब हो गया कि यानी इसके पास सीलिया या फ्लैजिला नहीं है। सीलिया फ्लैजिला क्या होता है तो ये सब सेल के टॉपिक में आएगा। बस ये समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा अपेंडिज स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में मदद करता है, यानी मूवमेंट कराता है। वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग सीलिया या फ्लैजिला बोलते हैं, जो बैक्टीरिया में भी अभी आपको आया होगा। ठीक है, हम लोग भी आगे भी देखेंगे, कोई बात नहीं है, सेल का टॉपिक है। बट यहां पे एक चीज समझिए, रेडियल सिमेट्रिकल या बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है। रेडियल सिमेट्री इसको हम लोग इधर समझेंगे। देखिए, रेडियल सिमेट्री का मतलब हुआ कि जब कोई चीज टू इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाए, दैट इज रेडियल सिमेट्री। लेकिन जब कोई चीज टू इक्वल हाफ में किसी एक ही प्लेन से डिवाइड हो तो उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी टू इक्वल हाफ में अगर इधर से कट होगा तो वो इक्वली डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी का एक पार्ट अलग दूसरा पार्ट अलग। लेकिन अगर इस प्लेन में हमारा बॉडी डिवाइड होगा तो इक्वली डिवाइड हुआ। तो ये बाई मतलब टू, यानी टू इक्वल हाफ में डिवाइड कैसे होगा, सिर्फ इस प्लेन से अगर कट करेंगे तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। लेकिन अगर कोई चीज स्फेरिकल है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक, और इस स्ट्रक्चर को आप किसी भी रेडियाई से यानी किसी भी प्लेन से हम डिवाइड करेंगे तो ये टू इक्वल हाफ में हो गया, या हम इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो भी टू इक्वल हाफ में हो जाएगा, या फिर हम इसको इस तरह डिवाइड करेंगे आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, तो ये होता है रेडियल सिमेट्री। लेकिन जब किसी एक ही प्लेन से टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा तो वो होगा बायलैटरल सिमेट्री। तो दिस इज द रेडियल सिमेट्री। और जो हमारा ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह या फिर कोई मान लीजिए बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई को क्या करेंगे आप, एक ही प्लेन से वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बायलैटरल सिमेट्री। तो ये इस तरह से हमें समझने का है। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि इसके जो सेल होते हैं या तो वह रेडियल सिमेट्री होंगे या फिर बायलैटरल सिमेट्री होंगे सेल। ठीक है, अब देखेंगे हम, जैसा कि जानते हैं कि यह फोटोसिंथेटिक तो होगा ही, ठीक है, तो दे आर फोटो सिंथेटिक, क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस करेगा और इसका जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल में एक सिलिका का कंपोजिशन होगा, सिलिका यानी सिलिसिफाइड सेल वॉल होंगे। तो सेल वॉल इज सिलिसिफाइड, यानी क्या होगा, सिलिका इन सेल, सेल वॉल में सिलिका होगा तो उसी को कहते हैं सिलिसिफाइड सेल वॉल। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। डाइएटोमियस अर्थ जो बनता है, यानी डाइएटम से जो अर्थ बनता है उसमें सिलिका के डिपोजिशन होने से, वो अभी इसी में अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो ये अभी ध्यान रखिए कि सिलिका इसके सेल वॉल में होता है।
अब ये तो देखें हम लोग, ये फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो इसमें पिगमेंट, तो पिगमेंट क्या होंगे, क्योंकि कहीं पर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसके लिए पिगमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना पिगमेंट का फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ये भी सवाल आपके मन में आएगा, क्यों नहीं हो सकता है भाई? तो इसलिए कि पिगमेंट ही जो है वह लाइट को एब्जॉर्ब करता है। पिगमेंट कहते किसको है, तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है एक लिविंग सेल में, दैट इज कॉल्ड पिगमेंट, और वो एक कलर देता है। अब लाइट को क्यों एब्जॉर्ब करेगा, तो खाना जो आप बनाते हैं तो उसे सोलबलाइज करने के लिए एनर्जी के रूप में क्या देते हैं, गैस स्टोव से हीट देते हैं या कोई लकड़ी वगैरह जला करके उसको हीट देते हैं। तो वहां पर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको हीट चाहिए। अब हीट के रूप में क्या करते हैं, आप प्लांट के नीचे आग लगाते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्लांट खत्म। तो ये क्या आपने आप हीट के लिए किसी आग के किनारे जाएगा, नहीं। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब, अब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए कोई तो कंपोनेंट होना चाहिए ना भाई, तो वो कंपोनेंट क्या होगा, वो कंपोनेंट पिगमेंट होगा, जो लाइट एनर्जी यानी सनलाइट के एनर्जी जो है यानी फाइटोन, ये फाइटोन के रूप में उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसी से यह फोटोसिंथेसिस करेगा। तो पिगमेंट इसके पास होना जरूरी है। तो पिगमेंट में क्या क्या होगा, इसमें पिगमेंट में होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये सब इसमें पिगमेंट होंगे। सॉरी ये बी नहीं, क्लोरोफिल सी होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल दोनों जो है वह क्लोरोफिल देखो एक पिगमेंट ही है। और ये फाइव टाइप्स के होते हैं, हम पहले भी बताए हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। ई जो होता है वो रेयरली मिलता है, और क्लोरोफिल ए जो होता है वो सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होगा, सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के। बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होता है उसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। बहुत ज्यादा का डिफरेंस दोनों में नहीं होता है, सिर्फ एक कार्बन पे डबल बॉन्ड का डिफरेंस होता है। जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आपको तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल में और क्लोरोफिल ए में क्या डिफरेंस है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जहां भी फोटोसिंथेसिस होगा वहां पे ये क्लोरोफिल ए रहता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कहीं पर भी, कहीं पर आप देखो कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है और बैक्टीरिया के अलावा कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म है, कुछ याद रहे या ना रहे ये जरूर समझ लो कि क्लोरोफिल ए तो होगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसका मतलब है क्लोरोफिल ए इसके पास रहना है। अब आइए देखिए पिगमेंट के बाद में स्टोर फूड, ये एज ए रिजर्व फूड के रूप में क्या करता है, स्टोर फूड या रिजर्व फूड, ये रिजर्व फूड। तो ये क्या रिजर्व फूड के रूप में रहता है, जैसे हमारे बॉडी में कल भी हुआ था डिस्कस हम लोग का, तो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन, प्लांट की बॉडी में स्टार्च, तो ये क्या स्टोर करेगा, तो यह स्टोर करता है फैट को, या फिर एक कंपोनेंट होता है वॉल्यूटीन, ये इन दोनों चीजों को स्टोर करके रखता है। कोई चीज स्टोर करके क्यों रखा जाता है, स्टोर करके इसीलिए रखा जाता है कि जब जरूरत हो, यानी न्यूट्रिशन हम सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं या किसी दूसरे सोर्स से नहीं मिल रहा है, तो हम उस जो स्टोर करके रखे हैं उससे काम चला लें। जिस दिन हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन कहां, तो लीवर में और हमारे मसल्स में जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो टूट करके हमें एनर्जी देता है। उसी तरह ये स्टोर फूड के रूप में क्या रखेगा, तो फैट एंड वॉल्यूटीन। वॉल्यूटीन एक फॉस्फेट का कॉम्पोनेंट से बना हुआ कंपाउंड है, ठीक। तो बस इतना आपको याद रखना है कि फैट एंड वॉल्यूटीन जो है वो इसका रिजर्व फूड या स्टोर फूड मटेरियल होता है। अब इसका मूवमेंट, अब ये मूवमेंट कैसे करता है, तो ये मूवमेंट करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड से, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करके ये अपना काम चलाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमिक
इंपॉर्टेंस, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो यह क्योंकि अभी क्या लिखे थे हम लोग कि इसके सेल वॉल में सिलिका है, तो जब भी सिलिका सेल वॉल में रहता है तो जब भी ये डाई एटम्स मरते हैं तो इनका जो सेल वॉल का सिलिका है वो डिपॉजिट होने लगता है, और डिपॉजिट होते होते यह एक सरफेस ट्रांसफॉर्मेशन करता है जिसे कहते हैं डाई एटोमियस अर्थ या डाई एटोमाइट, द सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स हैव सिलिका सिलिकॉन विच इज डिपोजिटेड आफ्टर द डेथ ऑफ डायटम डायटम्स that form diatomaceous earth, और इसी को क्या कहते हैं diatomite इसी को कहते हैं। तो diatomaceous earth या diatomite जो है वो क्यों बनता है, क्योंकि इसके सेल वॉल में सिलिका है, जब भी ये मरेगा तो मरने के बाद इसके सिलिका जो है वो धीरे 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 डिपॉजिट होने लगते हैं, और डिपॉजिट होते होते एक थिक लेयर बनाएंगे, उसी थिक लेयर को हम लोग कहते हैं डायटोमियस अर्थ या डायटोमाइट, जिसका कॉमन कॉमन एग्जांपल है लंप ऑफ कैलिफोर्निया पीक डायटोमाइट आर फॉर्म्ड, वहां पे लॉन्ग ऑफ कैलिफोर्निया जहां पर ठीक डायटोमाइट का फॉर्मेशन हुआ है, क्यों वहां पे धीरे धीरे डायटोमाइट डिपॉजिट होते हैं जिसके वजह से वहां पर ये बनते चला गया। तो हमें बस इसमें इतना ही जानना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट अगर बात कहेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखने के लिए एक पॉइंट, क्योंकि यह ब्यूटीफुल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ठीक। दूसरा चीज आपको याद रखना है ये रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, तो इसके जो सेल होते हैं वो रेडियल सिमेट्री होता है और बायलैटरल सिमेट्री होता है। उसके बाद में आप ये याद रखो कि ये इसमें सिलिका इन सेल वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। दूसरा, इसका रिजर्वोर मटेरियल फैट एंड वॉल्यूटिन होता है, और डायटोमियस अर्थ किससे रिलेटेड है, तो डायटोमियस अर्थ से रिलेटेड है सिलिका जो डिपोजिट सिलिका जो सेल वॉल में है, तो वो डिपोजिट होकर के क्या बनाता है डायटोमियस अर्थ बनाता है। बस सफिशियंट है इसके लिए, और इससे ज्यादा बहुत कुछ इसमें हमें नहीं जानना है, ठीक है। तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी है। अब आइए देखते हैं हम लोग, तो हमारा गोल्डन ब्राउन एल्गी और साथ ही साथ ये जो डायटम था वो कंप्लीट हो गया। ये दोनों जब कंप्लीट हो गए तो इसके बाद यानी एक हमारा जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया, कौन सा, क्रिसोफाइट। क्रिसोफाइट के बाद में प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में दूसरा डिवीजन है हम लोगों का, वो कौन सा, तो सेकेंड डिवीजन था हम लोगों का, देखते हैं उसको हम लोग। सेकेंड डिवीजन था पायराफाइटा,
पायरोफाइटा में हम लोगों को देखना है, पायरोफाइटा में क्या है, तो पायरोफाइटा में सबसे कॉमन एग्जांपल है डायनोफ्लैजेलेट। कौन सा? तो डायनोफ्लैजेलेट, DINOFLAGELLATES। कभी कभी स्पेलिंग इसलिए बोल देता हूं कि मेरी राइटिंग जो है वो बहुत मसाला है, तो कुछ बच्चों को इसमें इसमें दिक्कत ना हो इसीलिए बोलना पड़ता है, ठीक है, और ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखिए, डायनोफ्लैजेलेट, डायनोफ्लैजेलेट यह एक लैटिन वर्ड है जिसका होता है, जिसका मतलब होता है सर्कुलेशन, वर्मली सर्कुलेशन, यह एक लैटिन वर्ड है। वर्लिंग मूवमेंट या सर्कुलेशन, ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट में अप्रोक्सीमेटली 2100 स्पेसीज इंक्लूड है। कितना? 2100 स्पेसीज इंक्लूड होते हैं। अब उसके बाद में आइए, देखिए डायनोफ्लैजेलेट जो होता है वह यूनिसेलुलर और फोटोसिंथेटिक होगा। तो यह कैसा है? तो यह यूनिसेलुलर, साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक हो गया, यूनिसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक हो गया। फिर यहां पे टर्म आ गया फोटोसिंथेटिक, यानी फोटोसिंथेसिस ये करता है, इस बात को आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक। सेल वॉल, सेल वॉल इसमें जो होगा वह प्रेजेंट होगा, पहले इसमें फ्लैजिला इसमें देखिए, इसके पास टू फ्लैजिला होते हैं। कितना? टू फ्लैजिला जनरल। अब फ्लैजिला क्या है? तो इस तरह से अगर यह एक मान लीजिए यह प्रोटिस्टा है, तो इस प्रोटिस्टा को मूवमेंट करने के लिए यह इस तरह से दो फ्लैजिला निकले हुए होंगे, तो यह बाई फ्लैजिलेटेड होता है। जब टू फ्लैजिला होता है तो इसी को कहते हैं हम लोग बाई बाई फ्लैजिलेटेड। और फ्लैजिला कहां से ओरिजिनेट होता है? फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल के आता है। तो हम फिर कह रहे हैं ये टॉपिक जो है वो सेल में आएगा आपको, बस इतना समझिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर बाहर की ओर आता है जो मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसी को हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला होने से यह मूवमेंट करने में इसको सुविधा होती है, तो दिस इज द फ्लैजिला, यह फ्लैजिला हो गया जो उसको मूवमेंट करवाएगा। उसके बाद देखो कि मोस्टली जो है यह कैसा होगा? तो मोस्टली यानी अबाउट 90% ये क्या होंगे? मैरीन होंगे, यानी ओशियन में रहेगा, मैरीन वाटर में रहेगा। एंड सम आर इन फ्रेश वाटर, यानी कुछ जो होंगे वह किस में रहेंगे? तो कुछ जो होंगे वह फ्रेश वाटर में रहेंगे। अब आइए देखते हैं हम सेल वॉल, सेल वॉल इसमें होता भी है और कुछ में नहीं भी होता है, तो दोनों चीज हो सकता है, सेल वॉल इसमें रह भी सकता है और सेल वॉल नहीं भी हो सकता है। तो सेल वॉल मे बी कवर्ड द सेल और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
एक लार्ज वैक्यूल होता है इसके सेल में, क्या होगा, ए लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन इन द सेल, ए लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेल, सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल भी होगा। वैक्यूल का काम क्या है, वैक्यूल हमेशा लार्ज ही होता है प्लांट में। अगर यह एक सेल है तो इस सेल के अंदर एक बड़ा सा थैलीनुमा इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा, जो ये हो गया वैक्यूल, और मान लीजिए यह एक प्रोटिस्टा है, तो इस प्रोटिस्टा के अंदर ये जो पार्ट है ये वैक्यूल है, और ये वैक्यूल बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करके रखने का काम करता है। और जब प्लांट हम पढ़ाएंगे, प्लांट के सेल में आप पढ़ेंगे, तो अबाउट 90% सेल का पार्ट जो है वो कौन कवर करता है, तो यह वैक्यूल ही कवर कर लेता है प्लांट में, ठीक है। तो यहां पर भी एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एंड विच इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किससे कवर्ड होगा, तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होगा, ठीक है। तो वैक्यूल होगा जो सेंट्रली होकर के और एक लार्ज स्पेस को कवर करके, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर जगह है, ऐसा कोई सेल नहीं है जो बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो, तो किसी भी लिविंग सेल की अगर बात करें यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो बस ये टॉपिक को लिखने का एक तरीका हुआ, बट अगर वैक्यूल है और लिविंग सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑटोमेटिकली होगा, ये सब सेल में आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब इनके सेल का साइज, सेल का साइज जनरली या 5 से 2000 माइक्रोमीटर में होते हैं, और इसी में एक स्पेसिज है नॉक्टिलुका, नॉक्टिलुका ये इसका एक पर्टिकुलर स्पेसिज का नाम है नॉक्टिलुका, यह लार्जेस्ट है इसका, किसका, इसका यह लार्जेस्ट है जिसका साइज जो है वह 2 मिलीमीटर तक होता है, 2 मिलीमीटर तक, और इसको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं। Which is seen by unaided eye का मतलब कि आंख में किसी चीज को माइक्रोस्कोप वगैरह को एड करने की जरूरत नहीं है, तो यानी हम अपने डायरेक्ट आई से इसको देख सकते हैं, इसको नॉक्टिलुका को, जो लार्जेस्ट यानी कितना साइज है इसका, 2 मिलीमीटर तक इसका साइज होता है। जनरली इसका साइज कितना है, तो जनरली 5 से 2000 माइक्रोमीटर तक रहता है, तो ये इसका साइज हो गया। अब देखो इतनी सारी बातों को हम लोग समझ गए, पायरोफाइटा नाम क्यों पड़ा, पायरोफाइटा नाम क्यों इसका पड़ा, पायरोफाइटा का मतलब एक्चुअल में क्या है, पायरोफाइटा का मतलब होता है फायर प्लांट, यानी जिसमें आग लगता है, ठीक है। पायरोफाइटा का एक्चुअल में मतलब है फायर प्लांट, और क्यों, क्योंकि पायरोफाइटा जो होते हैं वो बायोलुमिनेसेंस होते हैं। अब बायोलुमिनेसेंस एक टर्म नया आया कि बायोलुमिनेसेंस क्या है, ठीक है ना, तो फायर प्लांट का मतलब
यहां पर पायरोफाइटर बायोल्यूमिनेसेंस बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब हुआ कि जो रात के अंधेरे में लाइट की तरह ब्लिंक करता है, यानी जो चमकता है रात के अंधेरे में। अब ऐसा क्यों होता है वो अभी आपको हम बताएंगे। तो फायर प्लांट इसीलिए क्योंकि पायरोफाइटर जो होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? तो ये ब्राइट ग्रीन ब्लू लाइट को इमिट करते हैं, दैट इज दे प्रोड्यूस ब्राइट ग्रीन ब्लू लाइट। कैसा लाइट? तो चमकता हुआ ग्रीन और ब्लू लाइट को ये निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इसीलिए इसका नाम ये क्या है उसके लिए पार्टिकुलर टर्म हम लोग यूज करते हैं, जिसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायो का मतलब हो गया लिविंग के सेंस में, और ल्यूमिनेसेंस का मतलब चमकीला, जो इमिट करता है कुछ। जितने भी बायोल्यूमिनेसेंस प्लांट होते हैं वो सभी जो है वो एक केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है, ये जो जितने भी बायोल्यूमिनेसेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पायरोफाइटा होता है, कुछ एनिमल भी बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, वो एनिमल में हम लोग देखेंगे। बट यहां पर बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो मतलब इसलिए है क्योंकि वो रात के अंधेरे में चमकते हैं, कुछ लाइट को निकालते हैं। और वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि उससे एक कंपोनेंट ल्यूसिफेरिन एक केमिकल है वो इमिट होता है। देखेंगे उस चीज को हम लोग। देखिए, ऑल ल्यूमिनेसेंस, ऑल बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रोड्यूस ए केमिकल ल्यूसिफेरिन कौन सा केमिकल है? तो ल्यूसिफेरिन एक केमिकल है और इसी केमिकल को ये प्रोड्यूस करते हैं। कौन? जितने भी बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। तो ऑल बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए केमिकल कॉल्ड ल्यूसिफेरिन, और यह ल्यूसिफेरिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके विच रिएक्ट विच ऑक्सीजन विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लाइट एंड ऑक्सी ल्यूसिफेरिन। तो आप समझ में आई बात कि बायोल्यूमिनेसेंस, इसको इस तरह से अगर कर दें तो ल्यूसिफेरिन एक केमिकल यानी कंपोनेंट हुआ जो रिएक्ट करता है किसके साथ? O2 के साथ। और साथ ही साथ क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि यहां पर एक एंजाइम आपके काम करता है जिसका नाम है ल्यूसिफेरेज। एंजाइम ल्यूसिफेरेज। तो ल्यूसिफेरिन और O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ल्यूसिफेरेज तो क्या देगा? इधर इधर देगा आपको लाइट प्लस ऑक्सी ल्यूसिफेरिन,
और ये कंपोनेंट देगा ऑक्सीलुसिफेरिन एंड ऑक्सीलुसिफेरिन, ठीक है। तो यहां पर लिख दिए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा, लुसिफेरेज एंजाइम, कौन सा, तो लुसिफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये सारा काम आपका हो गया, ठीक है। लुसिफेरेज एंजाइम जब काम कर लिया, ये सारा चीज हो गया, अब आप एक चीज और समझो कि जो ये हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, यहां पर एक चीज और देखने को हमें मिलता है किसमें, तो ये डायनोफ्लैजिलेट में। डायनोफ्लैजिलेट बायोल्यूमिनेसेंस तो है ही, साथ ही साथ ऐसे लगभग 20 यानी 20 स्पेसीज ऑफ ये जो डायनोफ्लैजिलेट का है, अबाउट 20 स्पेसीज ऑफ डायनोफ्लैजिलेट आप हमारे साथ साथ जब मैं ऊपर लिख रहा होता हूं तो आप नीचे की चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, और ताकि मैं इसीलिए पूरा बोर्ड को एक बार नहीं क्लियर करता हूं ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए नोट डाउन करने का। तो अबाउट 20 स्पेसीज ऑफ डायनोफ्लैजिलेट, यानी कितने, 20 स्पेसीज ऑफ डायनोफ्लैजिलेट प्रोड्यूस टॉक्सिन का मतलब टॉक्सिक कंपाउंड होता है, यानी ऐसा कंपाउंड जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, यानी एक तरह का जहर, पॉइजन। तो डायनोफ्लैजिलेट के लगभग 20 स्पेसीज ऐसे हैं जो टॉक्सिन कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और वो टॉक्सिन कंपाउंड का नाम है सेक्सिटॉक्सिन एंड ब्रेविटॉक्सिन। ये दो टॉक्सिक कंपाउंड हैं, किसके, तो डायनोफ्लैजिलेट से बनने वाले। अब होता क्या है, ये टॉक्सिक कंपाउंड क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो मैरीन वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जाकर के उनके रेस्पिरेशन सिस्टम को फेल्योर कर देते हैं, और साथ ही साथ ड्यूरिंग द रेड टाइड एक ऐसा कंडीशन है कि जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे जो फिश वगैरह है वो मरने लगते हैं, या बहुत सारे जो मैरीन एनिमल्स हैं वो मरने लगते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेड टाइड, और रेड टाइड में ही अब क्या करता है कि बहुत सारे वर्टिब्रेट्स को और साथ ही साथ कुछ फिश को ये मार देता है। क्यों, कैसे, तो ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेल्योर, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो दोनों टॉक्सिन है, ड्यूरिंग रेड टाइड का मतलब यह कंडीशन है ओशियन वाटर एंड रिच विथ न्यूट्रिएंट्स, डिस्ट्रॉय द फिश एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी फेल्योर, इन वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट में और कुछ फिश में ये क्या करते हैं,
ड्यूरिंग द रेड टाइड इसको मारने का काम, क्यों? ये जो दोनों सेक्सीटोसिन और ग्रेविटोक्सिन जो है, ये दो ऐसे कंपोनेंट है जो पॉइजन की तरह है, जो क्या करेंगे, उनको मारने का काम करेंगे। अब इसके आगे देखिए, ओस्टेरा एक मोलस्क है, ओस्टेरा। अब आप समझ रहे, मान लिया आपको नहीं पता है मोलस्क क्या होता है, तो एक एनिमल है। अभी एनिमल का डिवीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो यह तरह का एनिमल है ओस्टेरा, जो मैरीन वाटर में रहता है। तो ये क्या करता है कि कभी कभी बहुत सारे डायनोफ्लैजेलेट को खा जाता है, मिलियन ऑफ डायनोफ्लैजेलेट को खा जाएगा, और वो डायनोफ्लैजेलेट जो है वो उसके मसल्स और बाकी बॉडी के अदर पार्ट में जाकर के डिपॉजिट होंगे, और वो एक टॉक्सिक कंपोनेंट न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन को सिक्रीट करेंगे उसके बॉडी अंदर। और जब इस ऑस्टेरा को कोई दूसरा एनिमल या ह्यूमन बींग जब खाएगा, तो उसमें नर्वस पैरालिटिक कंडीशन को बना देगा उस पीपल में। ऑस्टेरा ईट मिलियन ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स दे सीक्रेट्स न्यूरल टॉक्सिन इन देयर इन मोलस्क बॉडी डैट सीक्रेट्स न्यूरल टॉक्सिन कंपोनेंट एंड व्हेन पीपल विल ईट दे कॉज नर्वस पैरालाइटिक कंडीशन किसके वजह से, तो इसी पॉइजन की वजह से ये सारे कंडीशन हमें देखने को हो जाते हैं। क्यों? तो ऑस्टेरा एक मोलस्क है जो मिलियन ऑफ डायनोफ्लैजेलेट को खाएगा, और ये डायनोफ्लैजेलेट सीक्रेट करेंगे एक न्यूरल टॉक्सिन को किसके अंदर, तो उस मोलस्क के बॉडी के अंदर। और जब इसी मोलस्क के बॉडी को, यानी कोई इस मोलस्क कोई कोई एनिमल या कोई पीपल खाएंगे, तो उसमें नर्वस पैरालिटिक कंडीशन को जन्म देंगे, ठीक है। या ये चीज फिश के साथ भी होता है, कुछ फिश ऐसे हैं जो बहुत सारे डायनोफ्लैजेलेट को, फिश भी कहां है ओशियन में है, और डायनोफ्लैजेलेट भी कहां है ओशियन में है, और वो डायनोफ्लैजेलेट खा सकते कौन, जिनके अंदर ये टॉक्सिक मटेरियल यानी सेक्सीटोसिन एंड ग्रेविटोक्सिन जो बन रहे हैं, और वो अगर चला गया और उसी फिश को हम लोग खाएंगे, तो हमें न्यूरल यानी नर्वस पैरालिटिक कंडीशन यानी हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम करेगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस होती है। तो ये सारा चीज जो है, ये कंडीशन हमें इसकी वजह से देखने को मिलता है। अब आप ये देखो, इसमें इतनी सारी चीजें हो गई, इसका एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है। इसका न्यूक्लियस मेसोकार्योन होता है। न्यूक्लियस कैसा होगा, तो न्यूक्लियस इसका मेसोकार्योन। मेसोकार्योन टर्म का मतलब क्या हुआ,
मेजोकारियोन इसलिए हम लोग बोलते हैं इसके न्यूक्लियस को, क्योंकि यह कुछ यूकैरियोटिक कैरेक्टर को रखेगा और कुछ प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को रखेगा, खास करके जेनेटिक मटेरियल के मामले में। क्या जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, किसी भी यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल या प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो डीएनए होता है। बस सबके डीएनए में, हर एक एनिमल के डीएनए में थोड़े थोड़े डिफरेंसेज आते हैं। किस तरह का डिफरेंसेज, तो उसके बेस सीक्वेंस का डिफरेंसेज, ठीक है। तो ये जो है ना तो कंप्लीट यूकैरियोटिक के जैसा न्यूक्लियस रखता है ना कंप्लीट प्रोकैरियोटिक के जैसा न्यूक्लियस रखता है। तो इसमें क्या सिमिलैरिटी है, दे हैव रिपीटेटिंग डीएनए एट यूकैरियोट्स बट दे लैक हिस्टोन प्रोटीन। अब बेटा अभी ये सब हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये सब अभी बहुत लंबी चीजें हैं। बस इतना समझो कि कोई एक घर में जो धागा देखते हैं, एक पेपर की रील होती है और उस पेपर के रील में बहुत सारे धागे इस तरह से रैप किए हुए होते हैं, थ्रेड, ठीक है। तो जो पेपर की रील है उस, वह एक हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर में जो थ्रेड इस तरह से रैपिंग किया हुआ है वह डीएनए है, यानी वह जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके पास इस तरह का रैपिंग यानी कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जबकि बाकी दूसरे यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो होते हैं वह हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक से अलग काम किया, तो ये इसीलिए ना पूरी तरह से प्रोकैरियोटिक के जैसा न्यूक्लियस है ना पूरी तरह से यूकैरियोटिक के जैसा न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मेजोकारियोन। मेजोकारियोन के बाद में देखिए यह स्टोर फूड मटेरियल क्या लगता है, स्टोर फूड में या स्टार्च और ऑयल के ड्रॉपलेट को रखता है। इसमें पिगमेंट, अभी हम बताया था कि यह फोटोसिंथेटिक होता है तो ऑब्वियस ही बात है इसमें पिगमेंट होगा। इसमें पिगमेंट कौन सा होता है, तो इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन, साथ ही साथ नियो फ्यूको जैंथिन ए एंड बी, ठीक है। पिगमेंट जो है इसका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन, नियोफिकोजैंथिन ए एंड बी, या फिर इसी को हम लोग फाइलोजैंथिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइलोजैंथिन इसका पिगमेंट हो गया। उसके बाद में इसके हम लोग अब थोड़ा रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन यह मेन रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन कुछ लगभग 10 स्पेसीज ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये रिप्रोडक्शन कैसा, तो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लगभग 10 स्पेसीज ऐसे हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये 10 ऐसे हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये बात कंप्लीट हुआ किसका, पैराफाइटा का। बस इसमें एक और चीज देख लीजिए, ये जो नॉक्टिलुका एंड गोनियोलॉक्स
ये दोनों जो है इन्हीं को कहते हैं हम लोग फायर एल्गी गॉन नॉक्टिलुका एंड गॉनी अलॉक्स, ये दोनों जो है वो कहलाते हैं फायर एल्गी। तो ये पूरी की पूरी बातें जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया पायराफाइटा का, डायनोफिलाइलेट्स ही हमें सिर्फ देखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यूग्लिनोफाइटा के बारे में, ठीक है? ओके, थैंक यू।